हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का आज वेडनेसडे के दिन का मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, अभी अपन है निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो अराउंड 100 पॉइंट्स प्लस की एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। उसके बाद अगर अपन देखें तो सुबह के टाइम हमें 1 बजे तक थोड़ा सा ट्रैपिंग मार्केट ही देखने को मिला है। ये जो हमें डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला था, इसमें हमें प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि ट्रेंड के ऑपोजिट हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था। और उसके बाद जैसे ही 1 बजे यहाँ से एक हमें डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, पहले बात करते हैं कि ये अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे। तो उसके लिए अपन को एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई देखने को मिली थी। अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाते और ऐसे एक्सटेंड कर देते तो यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही है, जिसका ब्रेकडाउन अराउंड 1:05 वाली कैंडल पे देखने को मिला है। और यहाँ पे एक हमें पैटर्न भी बनते हुए देखने को मिला था। इस पैटर्न को आप जरूर कमेंट सेक्शन बताएं। जैसे इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, वहाँ से एक हमें बहुत अच्छी डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये जो मोमेंटम अपन को देखने को मिली आज 1 बजे के बाद के अराउंड से, तो एक हमें बहुत अच्छी 1-way मूवमेंट बिना किसी रुकावट के देखने को मिली है। और अगर मार्क करें तो अराउंड हमें अप्रॉक्स 400 पॉइंट्स के आसपास की एक बहुत अच्छी मोमेंटम डाउनसाइड में देखने को मिली है, जिसमें कि हमें बहुत अच्छी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बहुत अच्छा ट्रेल करते हुए हम देखने को मिल सकता था। इस गिरावट में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि ये जो स्विंग बनाते हुए हमें देखने को मिला है निफ्टी, ये एक ही बार बस हमें स्विंग बना के वापस नीचे का मोमेंटम देखने को मिला है। कोई भी हमें रीटेस्ट इस स्विंग का देखने को नहीं मिला, तो हमें बहुत अच्छा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आज हमें एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है। जैसे हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला, एक हमें ये वाला मोमेंटम देखने को मिला, फिर जैसे ये वाला स्विंग बनकर वापस डाउनसाइड में जाने को देखने को मिला था, तो हमें यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए था। वैसे ही हमें आगे के 3 बार भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एक बहुत अच्छा मोमेंटम आज के दिन 1-way मूवमेंट कैप्चर करने में आसानी होते हुए देखने को मिलती। और लास्ट में डे लो के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि 21,101 का इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये था निफ्टी का आज वेडनेसडे के दिन का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहे हैं निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए 1 डे के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि एक हमें आज की जो हमें कैंडल बनती हुई देखने को मिली है वेडनेसडे के दिन की, वो हमें एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें कि पिछले 3 दिन की जो कैंडल है वो एक इंगल्फ करके नीचे की तरफ क्लोजिंग हमें देते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक हमें थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये तो गया डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस डाउन साइड की बात। और अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है एग्जैक्ट, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो वो रहेगा ये लेवल, जो कि है 21,074 का लेवल। तो एक हमें ये गैप भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है, तो एक गैप फिलिंग हमें होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसका लेवल रहेगा 20,950 तक का। और अपसाइड तो अपन को इस लेवल के ऊपर ही अब मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि है 21,600 के आसपास का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डेली टाइम फ्रेम में कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंटम और कहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहां डिस्कस करेंगे कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे डाउन साइड की मोमेंटम अपन को कल कब देखने को मिलेगी। अगर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि अराउंड 21,087 का लेवल, तो इसके नीचे एक हमें डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि और नीचे के टारगेट्स के लिए पहले मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के नीचे अपन को बहुत दिन बाद ट्रेड होते देखने को मिलेगा निफ्टी। तो इमीडिएट जो अपन को फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड एग्जैक्ट अगर मैं मार्क करके दिखाऊं तो वो रहेगा अपना ये लेवल, जो कि 21,025 का लेवल। और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 20,960 के आसपास का। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 20,850 का लेवल। और अपना जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 20,770 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 21,087 को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो। अब चलिए देखते हैं अपसाइड की मूवमेंट अपन कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला स्विंग हाई लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि अराउंड 21,413 के लेवल, तो इसके ऊपर एक अपन को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 21,490 का लेवल। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑल टाइम हाई, जो कि 21,593 का लेवल। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर ये वाला लेवल, जो कि 21,700 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 21,413 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो। अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे, जो कि ये वाला रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डिके ही देखने को मिलेगा। और एक्सपायरी के दिन अगर अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला तो बहुत तेजी से अपन को ऑप्शन के प्रीमियम उड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं,
तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें। और किसी डायरेक्शनल मूव फिलहाल या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 21,413 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि अराउंड 21,087 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है कि, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से अगर अपन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए और अगर ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो अपन को कल के लिए एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनती देखने को मिल रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के साथ साथ 21,087 का लेवल भी ब्रेकडाउन करे तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लेवल्स और रणनीति से समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को अभी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स ट्रेंडलाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।